वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है वाराणसी से। वाराणसी की कोर्ट में सर्वे में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला टल चुका है। अब यह फैसला 11 अक्टूबर को आएगा। ज्ञानवापी सर्वे मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज मुकर्रर तारीख की गई थी, लेकिन आज भी कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया और अब अगली तारीख 11 दे दी गई है। कोर्ट का यह कहना है कि दोनों ही पक्षों को एक बार फिर से सुना जाए और उसके बाद 11 तारीख को फैसला दिया जाए। तो शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होनी है या फिर नहीं है, सुनवाई एक बार फिर से जो फैसला है वो टल गया है, अगली तारीख दे दी गई है। अब 11 अक्टूबर को इस पूरे मामले के ऊपर फैसला आना है, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। तो सभी की नजरें टिकी हुई थी कि आज कोर्ट की तरफ से फैसला क्या कुछ आता है, क्योंकि पिछले सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि कार्बन डेटिंग को लेकर 11 अक्टूबर को जिला जज की तरफ से फैसला सुनाया जा सकता है। इससे पहले कोर्ट के आदेश पर ही पूरा का पूरा ज्ञानवापी परिसर जिसका सर्वे हुआ था, जिसमें शिवलिंग नुमा जो चीज मिली थी उसी की जांच को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिसको लेकर अब हिंदू पक्ष में भी राग दिखाई दे रही है, क्योंकि एक धड़ा ये कह रहा है कि इससे डैमेज होगा, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि अगर जांच होती है, कार्बन डेटिंग होती है, तो ऐसे में पता लग पाएगा कि वो शिवलिंग कितना पुराना है, कितना प्राचीन है, उसकी उम्र, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई क्या कुछ है। तो कार्बन डेटिंग को लेकर दरअसल आज फैसला आना था और कोर्ट ये तय करता कि क्या कार्बन डेटिंग होगी या नहीं होगी, लेकिन आज भी कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया। कुछ और तथ्य हैं जो सामने आने बेहद जरूरी हैं और उसी के आधार पर कोर्ट अब अपना फैसला 11 तारीख को सुनाएगा। दोनों ही पक्ष के वकील कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। इसी के साथ में जज ने अब आगे की तारीख तय कर दी है, यानी कि 11 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा कि जो वजू खाने के अंदर शिवलिंग नुमा आकृति मिली है अब उसकी कार्बन डेटिंग होगी या नहीं। तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कार्बन डेटिंग से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो वाकई शिवलिंग है या मुस्लिम पक्ष जैसा उसे फव्वारा करार दे रहा है, उसके बाबत भी बहुत हद तक सत्यता सामने आ पाएगी और इसीलिए कार्बन डेटिंग कराना जरूरी है।